सो हेलो एवरीवन, साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नर्सिंग सीएचओ के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 5% इंक्रीमेंट को लेके बड़ी खबर यहाँ पे रहने वाली है। जैसा कि ऑफिशियली न्यूज आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी सारे जो नर्सिंग सीएचओ है उनको अभी तक मालूम नहीं है कि उनको क्या क्या बेनिफिट दे रखे है गवर्नमेंट के द्वारा। जो स्पेशली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा काफ़ी सारे यहाँ पर आपको फायदे और नियम प्रावधान दे रखे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उनको लागू नहीं कर रखा है। जैसे कि मान लो यहाँ पर आप देख पा रहे, केंद्र सरकार ने बोल रखा है कि हर साल नर्सिंग सीएचओ को 5% का इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट जो आपकी राज्य सरकार है ना, वो आपको 5% का इंक्रीमेंट नहीं दे रही है। और केंद्र सरकार ने ये भी नियम बना रखा है कि जो नर्सिंग सीएचओ है, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है ना, उनकी ड्यूटी उनके गृह ज़िले में होना चाहिए, ये देख लो आप। लेकिन फिर भी उनको घर से दूर, काफ़ी दूर सीएचओ की नौकरी करनी पड़ रही है। तो देखिए, बड़ा अपडेट यहाँ पे रहने वाला है। और साथ ही केंद्र सरकार ने तो ये भी बोल रखा है कि इंसेंटिव मिलना चाहिए। और देखो, लेकिन यहाँ पे इंसेंटिव को लेके भी असंतोष है नर्सिंग सीएचओ के लिए, और इसी को लेके पूरा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। तो समझ लेते हैं यहाँ पर हर एक पॉइंट को। तो चलिए शुरू करते हैं। हर राज्य में 5% इंक्रीमेंट लगाने का प्रावधान, जो कि केंद्र सरकार, और यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ओर से सूचना के अधिकार के तहत दिए गए जवाब में बताया गया था कि सीएचओ को हर साल कम से कम 5% इंक्रीमेंट देना होगा। यह प्रावधान हर राज्य के लिए लागू होगा, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो एमपी हो, बिहार हो, हर राज्य के लिए लागू होगा। प्रदेश में अब तक केंद्र सरकार के इस नियम की पालना नहीं की गई है, और नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, आप खुद सोचो, जबकि केंद्र सरकार ने खुद बोल रखा है कि होना चाहिए, लेकिन आपकी स्टेट गवर्नमेंट इसको लागू नहीं कर रही है। नहीं तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर भी देखो, आपके राज्य सरकार ने क्या कर रखा है, तबादला भी राज्य सरकार के हाथों में। कई सीएचओ अपने गृह जिले की जगह अन्य जिलों में दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे, नौकरी कर रहे, वहीं उनका मानदेय भी सरकार नहीं बढ़ा रही है। नोटिस किया होगा, और आप में से काफ़ी सारे विद्यार्थी भी ऐसे होंगे जिन्होंने सीएचओ का जॉब किया होगा या फिर कर रहे होंगे, है ना। और जबकि मानदेय बढ़ाने के साथ अपने गृह जिले में भेजने का अधिकार संबंधित राज्य सरकार को दिया गया है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार ऐसा नहीं कर रही है। जिसे मान लो कोई राजस्थान का है, वो यूपी में कर रहा है तो यूपी में करेगा, ठीक है, ऐसा सिस्टम है। और जिसे मान लो यूपी का कोई राजस्थान में कर रहा है तो फिर वो उधर ही करेगा, चाहे उसका अगर कितना भी दूर हो, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में कर ही नहीं सकता। तो ये मतलब गलत है ना स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा रूल। 2 साल में जो सीएचओ जिस केंद्र पे था उसे अभी तक उसी केंद्र पे काम करना पड़ रहा है। और इंसेंटिव को देखो, यहाँ पे कोविड में जोखिम भरा काम करने वाले कई सीएचओ को इंसेंटिव भी नियमित रूप से नहीं मिल रहा है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम पे डाल के कोविड पेशेंट की सेवा की, तो उनके साथ भी यहाँ पर आप देखो इंसेंटिव लेके इश्यू है। हर जिले में चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर को इंसेंटिव देने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन फिर भी वो आपको नहीं दे रहे हैं। राज्य के कुछ जिलों में यह दिया गया है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आप में से कोई सीएचओ का जॉब कर रहा हो तो प्लीज़ बताना आपके साथ क्या हो रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जीता जाता एग्जाम्पल आप राजस्थान में भी देख सकते हो। ये देखो आप, ये राजस्थान में भी यही हाल है सरकार के अनदेखी। कंट्रोल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ज्वाइनिंग हुए 2 साल बीते, अभी तक एक बार भी नहीं मिला इंक्रीमेंट। 2 साल हो गए, कम से कम एक बार तो मिलना चाहिए ना इंक्रीमेंट। तो ये राजस्थान में भी यही हाल है, यूपी में भी वही है, जबकि केंद्र सरकार ने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर की तरफ से सूचना है कि मिलना चाहिए उनको इंक्रीमेंट। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, और यहाँ तक कि चिकित्सा विभाग भी नहीं दे रहा ध्यान। तो प्लीज़ आपका जो भी ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट करके बताओ, ताकि सभी को पता लगे कि क्या हो रहा है और आपको क्या लगता है और क्या होना चाहिए। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो अगला गवर्नमेंट जो भी रूल आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा। बाकी अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें।